हाँ मैं परासर। भागने की कोशिश कोशिश तो नहीं की? ठीक। अच्छा देखो, अब वक्त आ गया है कि तुम उससे डिमांड कर दो। 12 से शुरू करना और 8 तक 5 खत्म कर देना। देखो आज मैं शाम को आऊंगा। तुमने नाजिर को खाना वाना दिया? ठीक नहीं, इस वक्त तो उसका बाप घर पे नहीं है। तुम उसे बाद में फोन करो, थोड़ी देर बाद फोन करो। और सुनो, उसे नॉन डिजिटल फोन से करना ताकि CLI पे तुम्हारा नंबर ना आए, समझे? और बात भी ज्यादा लंबी नहीं करना, क्योंकि सरकारी आदमी है, पुलिस से मदद भी ले सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ के हालात से आगाह करता रहूंगा, लेकिन तुम भी होशियार रहना, समझे? ओके, खुदा हाफिज। अच्छा तो ये तुम्हारी हरकत है जी? वो भाजी, तुम मेरी जिंदगी में जहर खोलने से बाज नहीं आओगे? इसमें आपकी जिंदगी में जहर घोलने वाली क्या बात है? मैं नहीं जानती थी फरासत कि तुम इस कदर जलील शख्स हो। अच्छा, और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? नाजिया जैसी भी है, मेरे शौहर की बेटी है। घर की हद तक जो मर्जी हो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारी वजह से मेरे शौहर की इज्जत व आबरू खतरे में पड़े। ओहो, बड़ी मशरकियत आ गई है। मैं कहती हूँ फोन करो जहाँ बात कर रहे थे और उनसे बोलो कि नाजिया को छोड़े। ना, ये तो नहीं हो सकता। अगर तुमने फोन नहीं किया तो मैं फैजान को सारी हकीकत बता दूंगी। और अगर आपने ये बात फैजान भाई को बताई तो मैं भी वो बात फैजान भाई को बता दूंगा जो एक अरसे से मैंने अपने दिल में छुपा रखी है।